Assalamu alaikum, my name is Nadia Nadeem and I'm a medical student of KMBC. So today I'm going to discuss that how you can overcome MDCAT stress or how I overcome my MDCAT stress. देखिए MDCAT का स्ट्रेस होना इज़ अ नॉर्मल थिंग बिकॉज MDCAT का टेस्ट ही ऐसा है जो आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा होता है. तो इट्स लाइक एवरी वन हैव अ स्ट्रेस. स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सर पर सवार कर लेते हैं और ये उनके लिए नुकसानदेह होते हैं. लाइक बिकॉज इन वन दे आर गोइंग टू अपेयर इन द MDCAT एग्जाम तो वो जो फेयर होता है ना वो उनके MCQs पर बहुत इफेक्ट करते हैं. ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, जबकि इतनी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, लाइक ओवर स्ट्रेस कह सकते हैं इसको. तो आप किस तरह से, और मैं भी थोड़ा उनमें से थी क्योंकि मैंने रिपीट किया है. तो जब मैंने रिपीट किया था तो मेरे अंदर वो जो स्ट्रेस था तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था. तो जाहिर सी बात है इट्स नॉट ईजी टू डू द रिपीट, राइट? इट्स नॉट ईजी. तो हाउ आई ओवरकम माई स्ट्रेस, आई एम गोना टेल यू दिस. अगर मुझे So I'm going to tell you that how you have to overcome the stress. There is some tips that I follow. So the first tip is don't compare yourself with anyone else, right? You don't have to compare yourself with even not with your friend, and don't ask your parents to compare you with anyone else, right? पेरेंट्स यूजली ये कर रहे होते हैं कि वो अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं कि इसको देखो, उसका रिजल्ट देखो, उसके भी ये रिजल्ट आया, तुम्हारा देखो, अपना देखो, उसका देखो. तो काइंडली स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद एनी वन एल्स. इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन. इट्स अ कॉम्पिटिशन फॉर योर फ्यूचर, नॉट बिटवीन टू ऑफ अस, राइट? तो यू डोंट हैव टू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद एनी वन एल्स. जब आप अपने आप को खुद कंपेयर करना छोड़ेंगे किसी और के साथ तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा कि आपको ये चीज़ होगी, आपको टेंशन नहीं होगी कि उसको क्या हो रहा है, वो कैसे पढ़ रही है. आपको खुद पे फोकस करना, यू डोंट हैव टू सी कि वो क्या पढ़ रही है, कितना स्कोर किया उसने. आप ये देखें कि आपने कितना स्कोर किया. यू डोंट हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन एल्स. सिर्फ ये देखें कि आप अपनी लैकिंग आपकी कहाँ पर है पढ़ाई में. आपको सिर्फ अपनी आपको खुद को इम्प्रूव करना है, ना कि किसी दूसरे को. अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको टेंशन बढ़ेगा. तो आप इससे अच्छा कंपेरिजन ही ना करें ताकि आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज ना हो, राइट? डू योर बेस्ट एंड लीव टू द गॉड, राइट? आप अपना बेस्ट परफॉर्म करें जितना आपसे हो सकता है. बहुत ज़्यादा स्टडी करें, बहुत ज़्यादा फोकस करें अपनी स्टडी पर. इतना स्टडी करें जितना आप सब एब्जॉर्ब कर सक रहे हैं, सही? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी स्टडी करें, बाकी जो आपको डिस्ट्रैक्शन है उन सब से दूर हो जाएं, डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर हो जाएं, सबको बंद कर दें. और जब अपनी स्टडी करते हैं सब डिस्ट्रैक्शन को बंद कर दें, स्पेसिफिकली योर सेल फोन, राइट? तो डिस्ट्रैक्शन से तो बिल्कुल दूर हो जाएं. और बाकी ये कि आप अपना बेस्ट करें और अपना बहुत बेस्ट परफॉर्म करें और बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें, बाकी सब अपने गॉड पर छोड़ दें. ही इज़ द बेस्ट डिसाइडर. जो आपके फ्यूचर में लिखा है वो आपको मिलकर आएगा. वट यू हैव टू डू कि आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी है. तो आप अपनी स्टडी पर फोकस करें. डोंट थिंक द PMC पॉलिसीज. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि PMC की पॉलिसीज़ को सोचते ही रह जाते हैं. काइंडली डोंट थिंक अबाउट द PMC पॉलिसीज़ के PMC आ रहा है, इधर PMDC आ रहा है, इधर NTS आ रहा है, जो भी आ रहा है, जो भी होगा सबके साथ होगा, आपके साथ अकेले नहीं हो रहा. तो आपको इतना स्ट्रेस लेने की बात नहीं है इसमें कि आपका पेपर ऐसा होगा, ऑनलाइन होगा या हार्ड फॉर्म में, हार्ड कॉपी आपको देंगे. पीछे साल में ये हुआ, अगले साल में ये हो रहा है, इस दफ़ा साइंस का काउंट करें, इस दफ़ा नहीं कर रहे, इस दफ़ा 50% करें, इस दफ़ा 60%. इन सब चीज़ों से दूर रहें. मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके ईयर में क्या हो रहा है, लेकिन आप इसका स्ट्रेस नहीं लेंगे. ऐसा क्यों हो रहा है, पिछले ईयर में ऐसा हुआ था, अभी ईयर ऐसे. डोंट टेक द स्ट्रेस. मतलब जो भी हो रहा है ना होने दें, सबके साथ हो रहा है, आप अकेले के साथ नहीं हो रहा. तो अगर आप अकेले इसको सोचेंगे इसका मतलब है आप आपको डिग्रेड कर रहे हैं. तो आप ऐसा नहीं करें. जो भी होगा सबके साथ होगा, आपके अकेले के साथ नहीं होगा. तो PMC की पॉलिसीज़, जो भी पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में नहीं सोचें कि MDCAT की क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं, किस तरह से होने वाला है, उन सबको मत सोचें. सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ऑल टाइम पढ़ाई पर फोकस करें. ये नहीं सोचें कि अब ये पॉलिसी आ गई, अब ये आ गई, अब रिजल्ट इंतज़ार करें कि अब हाई कोर्ट पर ये होगा, ये होगा. बहुत सारे बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मत हुआ करें. मैं तो कभी इन्वॉल्व नहीं हुई. मतलब अगर आप इसे सोचने लगेंगे ना तो आपको स्ट्रेस इतना ज़्यादा होगा कि आप पढ़ाई से दूर हो जाएंगे और इन्हीं चीज़ों में घुस जाएंगे. तो इसका मतलब किसका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है. तो आप PMC की पॉलिसीज़ जो भी आ रही हैं, जैसी भी होंगी, सबके लिए होगा, सबका कंपटीशन है, सबके लिए होगा. तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके साथ हो रहा है. तो आपको पॉलिसीज से बहुत दूर रहना है. डोंट बी इन अ स्ट्रेस. बस इतना कि आपको पता होना चाहिए आपका पेपर कब है, आपके पेपर में कितने MCQs आएंगे, और बाकी जो सारी पॉलिसीज़ है वो आप एग्ज़ाम के बाद सोच लीजिएगा, ठीक? अनदर टिप इज़ दैट यू हैव टू टेक अ गुड स्लीप. काइंडली टेक अ गुड स्लीप. बहुत सारे बच्चे स्लीप सही से नहीं करते हैं तो उनका क्या होता है, जो भी वो याद कर रहे होते हैं वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता. तो ऐसे याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है. आप ऐसा याद करें कि वो आपको एब्जॉर्ब भी हो रहा हो. तो यू मस्ट हैव टू टेक अ गुड स्लीप. गुड स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द MDCAT. सो इट्स अ बिग टिप. मैं कहती हूँ कि यू हैव टू टेक अ गुड स्लीप. और स्पेशली कोई भी ऐसी चीज़ जैसे वो कैप वर्ड्स का मैं आपको कहती हूँ कि आप
सोने से पहले पढ़ें. क्यों? क्योंकि जैसे आप सोने से पहले पढ़ते हैं तो जब आप सो जाते हैं तो आपके माइंड में वो सब रिवॉल्व हो रहा होता है, रिकॉल हो रहा होता है, वो सब रिकॉल होता है आपके माइंड में जब आप सोते हैं. तो इट्स मोर बेटर कि आप स्लीप लें और बीच में रेस्ट भी लें. फोकस ऑन योर सेल्फ. यू डोंट हैव टू फोकस कि आपका फ्रेंड कैसे पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ी, ये कैसे पढ़ रहा है. डोंट सी दिस, बी योर सेल्फ. आप अपने आप के ऊपर फोकस करें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं. आप यूट्यूब से बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब में बहुत हेल्प ले सकते हैं. लाइक मेरे टाइम में ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैं आपको हर पॉसिबल हेल्प दे रही होती हूँ. आप लोगों के कमेंट्स पे भी रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं उस सिचुएशन से गुजरी हूँ. तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा कोई इस तरह की सिचुएशन से गुजरे. मेरे टाइम में मेरी किसी ने हेल्प नहीं की थी, एक्सेप्ट माई सम ऑफ माई फ्रेंड्स. ठीक, तो मेरी किसी ने हेल्प नहीं की थी ना, यूट्यूब पर किसी चैनल से मुझे इतनी लाइक हेल्प मिल सकी थी. बट आपके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आपको अगर कोई भी मसला होता है तो आप मुझे कमेंट में कह दिया करें. इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी. इंशाल्लाह जैसे ही अपनी अवेलेबिलिटी देख के आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी. टू बी वेरी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ. डोंट सी कि आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, किस तरह का टाइम टेबल बना रहे हैं. अपना खुद का टाइम टेबल बनाएं और अपना खुद का पढ़ाई करें. राइट, अनदर टिप फॉर रिमूविंग द स्ट्रेस इज अपने टारगेट्स बनाएं. खुद को एक टारगेट दें कि ये टारगेट करना है, और उसके बाद जब आप वो टारगेट अचीव कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा. ठीक, जैसे आप अगर फिजिक्स का पढ़ रहे हैं, आपने रात को टाइम टेबल बना के सोने कि आपने फिजिक्स का रात फिजिक्स के दो चैप्टर सुबह के रिवाइज करने हैं, दो पास पेपर सॉल्व करने हैं और 10 वोकैब्स वर्ड पढ़ने. सही, ये सब आपने रात को लिख के सोए हैं. अब जब सुबह आप उठेंगे तो आप उसे करना स्टार्ट करेंगे. डिस्ट्रैक्शंस को दूर करेंगे अपने से. ठीक है, यानी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, सबको पता है सबकी डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. तो डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहें. और अपना जब पढ़ाई करेंगे तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आप पढ़ाई करेंगे, आपके पास आपका एक टारगेट होगा. और हमेशा टारगेट रात को बनाकर सोएं और सुबह उठ के फॉलो करें. अगर आप मंथली टारगेट बनाएंगे, वीकली टारगेट बनाएंगे, तो इट्स लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट कि आप टारगेट अचीव कर सकें. रादर देन अगर आप टारगेट बनाते हैं रात को और सुबह उठ के फॉलो करते हैं पूरा दिन, तो ये बहुत आसानी से फॉलो हो जाता है. तो आप इसे ज़्यादा, इट्स मोर बेटर कि अगर आप इस तरह का टारगेट बनाएं. ठीक, तो यही कीजिए कि रात को टारगेट बनाएं, सुबह अचीव उसको टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें. वंस यू आर डन विद योर टारगेट, अपने आप को कोई अच्छा सा गिफ्ट दे, लाइक आप कोई स्पेशल चीज़, लाइक स्पेशल चॉकलेट जो आपको बहुत पसंद है, तो आप रखें कि हाँ मैंने दो फिजिक्स के चैप्टर के बाद ये चॉकलेट खानी है. इट्स लाइक यू आर गोइंग टू मोटिवेट योर ओन सेल्फ. राइट, तो आप खुद के साथ खुद कंपेयर कीजिए, किसी और के साथ कंपेयर नहीं कीजिए. और वंस यू आर डन डूइंग योर टारगेट, खुद को ये चीज़ रियलाइज़ कराएं कि वाओ यू हैव डन दिस, यू हैव एबिलिटी टू डू दिस थिंग. तो ये खुद को जब आप रियलाइज़ कराएंगे ये चीज़, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा. तो बिल्ड कॉन्फिडेंस और फोकस ऑन योर सेल्फ. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन एल्स. टेक अ गुड स्लीप, ईट हेल्दी फूड. एंड लास्ट टिप इज़ ऑलवेज कि बहुत सारी दुआएँ लें. और यू मस्ट हैव अ गुड कॉन्वर्जेशन विद योर फ्रेंड्स वाइल यू आर गोइंग टू हैव योर एग्ज़ाम. कि आप घर वालों से कुछ मंथ्स के लिए दूर ही हो जाएं, पढ़ाई पर फोकस करें सिर्फ. अच्छा खाएं, अच्छा सोएं और हेल्दी रहें. बट यू हैव टू सॉल्व पास पेपर्स एंड गिव कॉन्फिडेंस टू योर सेल्फ. ओके, एक चीज़ ये बता दूं कि जब आप पास पेपर सॉल्व करते हो तो स्टार्ट में आपको ऐसा होता है माई गॉड आपने सब कर लिया, आपको फिर भी नहीं आंसर आ रहा, तो आप कॉन्फिडेंस को लूज़ करने लगते हैं. सो प्लीज़ डोंट लूज़ योर कॉन्फिडेंस. अपने आप को नेक्स्ट टारगेट दें कि आपका भी 140 स्कोर आए, नाउ यू हैव टू गेन 142 स्कोर. इस तरह करके छोटे छोटे टारगेट दें खुद को पास पेपर्स के अंदर भी. वंस यू अचीव द टारगेट, तो फिर खुद को ये चीज़ रियलाइज़ कराएं कि येस यू हैव डन दैट थिंग, ताकि आपको अच्छा लगे कि आप कर सकते हैं. और फिर आपको एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम वो सब नॉर्मल लगे, क्योंकि वो आपके अंदर स्ट्रेस ही नहीं होगा. जब आपके अंदर एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब आप रेगुलरली पास पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा. आपको पता होगा कि आप कर सकते हैं, आप पहले भी करके आएँ तो अब करना कौन सा मुश्किल है. राइट, तो इस तरह आप पास पेपर सॉल्व करें, मैक्सिमम पॉसिबल पास पेपर सॉल्व करें, ताकि आपका स्ट्रेस कम हो और आपको खुद पर यकीन हो सके. स्ट्रेस कम करने का सबसे मेन यही कि यू हैव टू गिव कॉन्फिडेंस टू योर ओन सेल्फ. और अपने आप को और कॉन्फिडेंस तभी दे सकते हैं व्हेन यू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद एनी वन एल्स अदर. स्टार्ट स्टडिंग अ लॉट एंड व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज, वेदर इट्स अ वेबसाइट और वेदर इट्स अ पास पेपर. सो आई विल रिकमेंड दैट यू मस्ट हैव टू सॉल्व द पास पेपर्स. और पास पेपर्स में खुद को ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि आपने अचीव किया, और ख़ुद को टारगेट दें और उससे बेटर अचीव करने की कोशिश करें, और ख़ुद को कॉन्फिडेंस दें कि येस यू कैन डू इट. राइट, बाकी इन द लास्ट ये कहूँगी कि बहुत सारी दुआएं हैं हर किसी की, और स्पेशली योर पेरेंट्स की. विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव बिग थम्स अप एंड शेयर माई वीडियो एंड सपोर्ट मी एज़ वेल. इफ़ यू गाइज सपोर्ट मी, देन मैं इसी तरह को आपकी हेल्प करती रहूँगी हर चीज़ में. लेकिन फॉर दैट आई नीड सपोर्ट एज़ वेल. तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और
If you are new to my channel, you have to subscribe my channel and like my video and share my video with your friends. Allah Hafiz, take care.